प्रीवियसली लेक्चर में हमने देखा डिफरेंस बिटवीन फोटोशॉप इलस्ट्रेटर एंड कोरल ड्रॉ। चलिए अब समझते हैं इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप का डिफरेंस। इलस्ट्रेटर का पूरा नाम अडोबी इलस्ट्रेटर है, जबकि फोटोशॉप का पूरा नाम है अडोबी फोटोशॉप। इसके बहुत सारे वर्जन्स मार्केट में अवेलेबल है, जैसे आपका सॉफ्टवेयर ओएस मोबाइल का जो बदलता रहता है टाइम से, वैसे ही हर सॉफ्टवेयर का एक अपग्रेडेशन वर्जन आता है हर बार, जिसमें कुछ न कुछ एडिशन किया जाता है। अभी का जो वर्जन है वो है सीसी क्रिएटिव क्लाउड, अडोबी इलस्ट्रेटर सीसी, अडोबी फोटोशॉप सीसी, राइट। इलस्ट्रेटर वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जबकि फोटोशॉप रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, राइट। अच्छा चलो डिफरेंस समझते हैं वेक्टर एंड रास्टर का। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक रास्टर एंड एक वेक्टर फॉर्मेशन रखा हुआ है। एक जो रास्टर है वो थोड़ा सा ब्लरी हो गया है, यानी आपको विजुअल परफेक्ट नहीं आ रहा है, जबकि दूसरा वेक्टर जो है जो आपको विजुअली कम्प्लीटली दिख रहा है कि वो क्या लिखा गया है। जैसे कि कई बार हम नेट पर से इमेजेस डाउनलोड करते हैं, वो सारी इमेजेस जूम इन पे फट जाती है, राइट। जब आप उसको जूम इन करते हो माउस से तब वो फट जाती है, उसको रास्टर बोला जाता है। यानी फोटोशॉप रास्टर बेस इसलिए है क्योंकि फोटोशॉप का नाम का मीनिंग है फोटो प्लस शॉप, फोटो की ऐसी दुकान जिसमें आप एडिटिंग कर पाओ, कटिंग और पेस्टिंग कर पाओ, वो सारी चीजें क्रिएटिवली कर सकते हो। इसीलिए जब वो बहुत स्केल पे होता है, यानी बहुत जूम इन पे होता है, तो वो ऐसा रास्टर लुक देता है, राइट। ओके, जिसको हम रास्टर कहते हैं, ब्लरी इफेक्ट कहते हैं। और वेक्टर, कितना भी आप उसको जूम इन जूम आउट कर लो, या तो उसको स्केलिंग कर लो, छोटे से छोटा बैच में स्केल करके रखो, या बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग के लिए स्केल करके प्रिंट निकलवाओ, वो वैसा ही लुक देता है, जिसको वेक्टर बोला जाता है। समझे? वेरी नाइस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे, रास्टर यानी कोई भी इमेज जो आपने एडिट करी है, और वेक्टर यानी कोई भी कैरेक्टर जो आप ड्राइंग करते हो, कोई भी लोगो जो आप ड्राइंग से बनाते हो और उसके बाद इलस्ट्रेटर में लाके उसको बनाया जाए, तो उसको वेक्टर बोला जाता है। समझे? ओके, अब समझते हैं कि इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप कौन यूज करता है। इलस्ट्रेटर यूज करने के लिए डिजाइनर हायर किए जाते हैं, जैसे कि लोगो डिजाइन करना, कैरेक्टर डिजाइन करना, बैकग्राउंड डिजाइन करना, ये सारे क्रिएटिव एरिया जो स्केचिंग पे डिपेंडेंट है, यानी स्केच करके उसके बाद उसको इलस्ट्रेटर में बनाया जाता है, वो डिजाइनर करते हैं। जबकि फोटोशॉप के अंदर वर्किंग करने के लिए आर्टिस्ट को हायर किया जाता है, यानी किसी भी इमेज को एक अट्रैक्टिव लुक देने के लिए, इंटरैक्टिव लुक देने के लिए फोटोशॉप यूज किया जाता है। जैसे कि इलस्ट्रेटर के एग्जाम्पल को समझते हैं, जैसे कि टॉम एंड जेरी है, मिकी माउस मिनी माउस है, जो सारे वेक्टर है जो डिजाइनर बनाते हैं। जबकि फोटोशॉप के अंदर आपने बहुत सारी मैट पेंटिंग्स देखी है, जैसे कि मूवी के पीछे में बैकग्राउंड बनाए जाते हैं, वो बैकग्राउंड्स मैट पेंटिंग बोले जाते हैं, वो आर्टिस्ट बनाते हैं। अब इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप का मोस्ट यूज हम जानते हैं। जैसे कि पहले ही हमने समझा रास्टर एंड वेक्टर का डिफरेंस। इलस्ट्रेटर जो है वो वेक्टर बेस्ड काम करता है, इसलिए वो वेक्टर ग्रीड बेस्ड काम करता है, यानी आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो ग्रीड एरिया में काम कर रहा है, देखो, राइट। जिससे आप परफेक्टली डिजाइनिंग कर सकते हो, अलाइनमेंट में डिजाइन कर सकते हो, यानी प्रॉपर मेजरमेंट में किसी भी लोगो को बना सकते हो, कैरेक्टर को बना सकते हो और बैकग्राउंड को भी बना सकते हो आप। उसके सामने यानी पीएस जो है, फोटोशॉप जो है, वो पिक्सल बेस्ड काम करता है, यानी आपको जो इमेज में छोटे छोटे स्क्वायर जो डॉट्स दिखते हैं, स्क्वायर जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, वो डॉट को पिक्सल बोला जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि इलस्ट्रेटर में एलजी का लोगो बना, राइट, यानी एलजी का सिंबल हम सब ने देखा हुआ है, तो इलस्ट्रेटर में एलजी का सिंबल बनता है। और उसी के रिगार्डिंग अगर मुझे कोई फेस्टिवल इमेज बनानी है एलजी के लिए, जैसे कि हैप्पी दिवाली की एक इमेज बनानी है, तो वो फोटोशॉप में बनेगी। समझे? वेरी नाइस। ओके, अब समझते हैं दोनों के वर्क स्पेस एरिया के बारे में। इलस्ट्रेटर के वर्क स्पेस को आर्टबोर्ड बोला जाता है, जबकि फोटोशॉप के वर्क स्पेस को लेयर पेज ऐसा बोला जाता है।
वर्कस्पेस के लिए इलस्ट्रेटर में कोई एरिया लिमिट नहीं है, यानी आप इनसाइड भी काम कर सकते हो और आउटसाइड भी काम कर सकते हो, जबकि फोटोशॉप के अंदर वर्कस्पेस में आपको विदिन ही काम करना है, यानी उसी के अंदर काम करना है। आप आउटसाइड पे कुछ नहीं रख सकते, जबकि यहाँ पे आपको दिख रहा है आर्टबोर्ड, यानी आर्टबोर्ड के बाहर भी कुछ चीज़ें बनी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जबकि फोटोशॉप के अंदर वो सारी चीज़ें आपको इनसाइड ही बनानी है और इनसाइड ही कंप्लीट करनी है, समझे। फाइल सेविंग टाइम की अगर हम बात करें, जो इनका लास्ट डिफरेंस है, यानी जब इलस्ट्रेटर में हम काम करते हैं तो सारी चीज़ें डिजाइनिंग यानी वेक्टर बनाते हैं जो उसी के अंदर से होती है, इसलिए उसकी फाइल साइज बहुत कम रहती है, इसीलिए आप उसको फाइल को सेव जल्दी कर सकते हो जो .ai फॉर्मेशन में होती है, जबकि फोटोशॉप के अंदर बहुत सारी इमेजेस से काम होती है इसलिए फाइल साइज बहुत हैवी बनती है, जिससे उसका फाइल सेविंग एरिया बहुत स्लो हो जाता है, स्पेस बहुत ज़्यादा होती है और हैवीनेस के कारण फाइल बहुत स्लोली सेव होती है, जिसको आप .psd में सेव कर सकते हो, समझे। ये डिफरेंस थे इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप के बीच में, इसीलिए जब भी आपको रास्टर एरिया में काम करना है आप फोटोशॉप को चूज कीजिएगा, और जब भी आपको वेक्टर एरिया में काम करना है, ड्राइंग पे काम करना है, तो इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर से काम कर सकते हो, समझे। जो हमने रास्टर वेक्टर के बारे में सुना था, यानी मैंने बताया था आपको, उसी का एक एग्जांपल समझते हैं कि इलस्ट्रेटर कैसे काम करता है और फोटोशॉप कैसे काम करता है। इलस्ट्रेटर मैक्सिमम जूम इन लेवल में काम कर सकता है, यानी वो शार्प एंड क्लियर है, जबकि आप फोटोशॉप में काम करने जाएंगे और मैक्सिमम जूम इन लेवल तक जाएंगे तो आपको कोई भी इमेज ब्लर एंड मैशी दिखेगी, यानी छोटे छोटे पिक्सल एरिया दिखेंगे जिससे आपकी इमेज ब्लर हो जाएगी, जबकि इलस्ट्रेटर के अंदर मैक्सिमम जूम इन से भी आपको कोई ब्लरी इफेक्ट नहीं मिलेगी, यानी वो शार्पन एंड क्लियर ही रहेगा जितना आप जूम आउट पे देखोगे, जबकि फोटोशॉप के अंदर जूम इन पे आपको ब्लरी दिखेगा और जूम आउट पे आपको थोड़ा सा क्लियरिटी में दिखेगा। ये दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस है जिससे दोनों की सुपीरियरिटी अलग होती है, यानी फोटोशॉप रास्टर बेस गिना जाता है और इलस्ट्रेटर वेक्टर बेस इसी बेस पे गिना जाता है, समझे। ओके, अब समझते हैं दोनों के सिलेक्शन एरिया को, यानी जब भी कोई एरिया बनाने के बाद आप उसको सिलेक्ट करते हो तो दोनों कैसे बिहेवियर लेते हैं। जैसे कि इलस्ट्रेटर के अंदर आप जाओगे तो कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में काम करेगा, यानी इलस्ट्रेटर टोटली ऑब्जेक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर है। आप कोई भी शेप बनाते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो और उसके बाद उसको रीअरेंज करते हो, कलर चेंज करते हो अप्रोप्रिएट लुक देने के लिए, इसीलिए इलस्ट्रेटर को ऑब्जेक्ट बेस्ड सिलेक्शन माना जाता है, यानी सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट करना या तो फिर इंडिविजुअल एरिया को, जबकि फोटोशॉप टोटली इमेज बेस्ड काम करता है, यानी सारी चीज़ें इमेज से डिपेंडेंट होकर काम करता है, इसीलिए उसके अंदर एरिया सिलेक्शन बोला जाता है, यानी एक लाइन जो एनिमेट होती रहती है उसको एरिया सिलेक्शन बोला जाता है, समझे। दोनों सॉफ्टवेयर लेयर बेस्ड तो काम करते ही हैं, यानी दोनों सॉफ्टवेयर को अगर आपको काम करवाना है तो वो दोनों लेयर बेस्ड काम करते हैं, बट जब भी आप इलस्ट्रेटर में लेयर लेते हो तो वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए काम करता है, यानी उसको अलाइनमेंट में कुछ ऐसा दिखता है, जबकि फोटोशॉप के अंदर आपको सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए सिंगल लेयर लेनी है, यानी आप जब इलस्ट्रेटर में काम करते हो तब एक लेयर में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आप रख सकते हो, एक से ज़्यादा ग्रुप्स बना सकते हो, जबकि फोटोशॉप के अंदर आपको हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, इवन सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए भी आपको न्यू लेयर बनानी है, ताकि आप उसको हैंडलिंग एरिया में इजीली काम कर पाएं, समझे। वर्कस्पेस उसका कुछ डिफरेंट है इन द लेयर एरिया, यानी लेयर में आपको अरेंजमेंट डिफरेंट दिखती है, राइट। हमने प्रीवियसली समझा आर्टबोर्ड एंड कैनवास के बारे में। इलस्ट्रेटर में आर्टबोर्ड बोला जाता है जबकि फोटोशॉप में कैनवास बोला जाता है। आप जब इलस्ट्रेटर में कंट्रोल एंड न्यू फाइल फॉर्मेट पे काम करते हो तब वहाँ पे नंबर ऑफ आर्टबोर्ड्स की डिटेल दी हुई है, जिससे आप एक से ज़्यादा आर्टबोर्ड ले सकते हो। उसके अलावा अगर आपने वहाँ पे एक ही लिया है तो भी टूल पैनल में आर्टबोर्ड टूल है, जिससे आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, रीसाइज भी कर सकते हो, यानी एक से ज़्यादा आर्टबोर्ड को स्टोरी लाइन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। जबकि फोटोशॉप के अंदर आपको सिंगल कैनवास मिलता है,
जो सिंगल कैनवास के अंदर ही आपको काम करना है, बहुत सारी लेयर के साथ, समझे? आज हमने इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप के बीच में डिफरेंस समझा। हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा डिफरेंस बिटवीन इलस्ट्रेटर एंड कोरल ड्रॉ।